वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। मोल कॉन्सेप्ट, उसके चार टॉपिक और चार लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेसिक लेक्चर था और लास्ट जो था ना वो की पॉइंट्स था लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 खास देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इलस्ट्रेशन आप सॉल्व कर रहे हैं लेक्चर 4 से ही रिलेटेड है, जहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट के तीन फार्मूला, वेपर डेंसिटी के फार्मूला थे। तो चलो इलस्ट्रेशन एलएन मॉड्यूल के अंदर से इलस्ट्रेशन नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक है अपना मोल कॉन्सेप्ट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्या है और क्या फाइंड करना है। सबसे पहले मान लो वेट गिवन हो, नंबर गिवन हो या वॉल्यूम गिवन, सबसे पहले मोल कन्वर्ट कर दो उसे, सबसे पहले उसे मोल में ही कन्वर्ट करोगे। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 2.08 ग्राम BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम का एटॉमिक मास कितना, वो भी गिवन है, कितना है 137, और Cl का हमें पता है 35.5। क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, तो ग्राम गिवन है समझना, 2.08 ग्राम। क्या कैलकुलेट करने हैं हमें, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, यहाँ पर क्लोरीन एटम्स कितने हैं BaCl2 के अंदर, दो क्लोरीन के एटम्स हैं, तो 2.08 ग्राम BaCl2 के अंदर क्लोरीन के एटम्स कितने हैं। तो सबसे पहले इसे किसे किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में तो मोल में, तो मोल का फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट गिवन है 2.08, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा दोनों का मिलाकर, तो सम कर लो 208, तो कितना मोल हुआ यहाँ पर 0.01 मोल हुआ, हो गया। अब जैसे ही मोल मिल गया तुम्हें और क्या कैलकुलेट करना है, नंबर, तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे तुम्हें, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ Cl एटम्स, तो Cl एटम्स कितने हैं यहाँ पर, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई जितने मोल है उतने मल्टीप्लाई होंगे, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्लियर है। तो 2 इज इक्वल टू 10^-2 इंटू एन ए, ये हुआ आंसर इलस्ट्रेशन नंबर 21 का, क्लियर, लिख लो। चलो 0.01 चलो नेक्स्ट, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर आ जाओ। डेटा ध्यान से रीड करो, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम ओजोन। तो क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इसके अंदर इन 1.2 ग्राम ओजोन, मतलब ओके। देखो गिवन ये है 1.2 ग्राम और क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। अब जब ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी हो, ग्राम गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, नंबर कैलकुलेट करना हो, तो मोल पहले आइडेंटिफाई कर लो, पहले मोल काउंट कर लो और फिर उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है। फाइन हो गया आंसर, लिख लिया। तो चलो यहाँ पर मोल फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है 1.2, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना 48, हो गया ये, आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन कितना होगा राउंड अगर करो तभी 1 बाय
40 लिख लो तब भी राइट, कैलकुलेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं। डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है, डिपेंड करेगा तुम्हारा ऑप्शन कौन सा गिवन है, तो कैलकुलेशन के तरीके बहुत अलग अलग है। तो 1/40 आ गया, तो सबसे पहले चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो। तो यही मॉलिक्यूल्स है, O3 एक मॉलिक्यूल है, तो क्या करोगे उसे तुम, ये मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हुआ 1/40 × Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे, इज इक्वल टू कितने एटम्स है O3 के अंदर, 3 एटम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आगे 1/40 × Na, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, तो 3/40 × Na नंबर ऑफ एटम्स है, जबकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये भी लिख लो इलस्ट्रेशन नंबर 22। चलो नेक्स्ट, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर आ जाओ। क्या किया है और क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स इन वन ड्रॉप H2O, और वन ड्रॉप कितना H2O गिवन है, यहाँ पर मास गिवन है 1.8 ग्राम गिवन है। बहुत सिंपल है, एटम्स ही कैलकुलेट करने, 1.8 ग्राम तो गिवन ही है, तो चलो क्या होगा, ग्राम है तो मोल में कन्वर्ट करोगे, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है 1.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होगा 18, तो ये हो गया उसका मोल, तो कितना होगा 1.8, तो 0.1 मोल। मोल मिल गए हमें, एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने एटम्स है एक H2O के अंदर, 3 मल्टीप्लाई 0.1, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो कितना कैलकुलेशन हुआ, ये तो 0.3 × Na, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बस वही हर बार देखो, वेट गिवन है, मोल कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर दो, हो गया। ग्राम का जी होता है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन 24। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर है, ध्यान रखना, अब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, वेट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉल्यूम गिवन है, तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब समझ लो बस, तो आसान है। इसका मतलब क्या है कि अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो अगर तुम 1 ml ले रहे हो तो 1 ग्राम ही हुआ, और उसी तरह तुम 100 ml ले रहे हो तो 100 ग्राम हुआ। तो यहाँ पर 1 लीटर है पानी, तो कितना ग्राम हुआ, अगर ग्राम में लिखना है तो मुझे डेंसिटी अगर 1 है तो समझ लो, तो कितना हुआ 1 लीटर मतलब 1000 ml है, तो कितना हुआ वो तो 1000 ग्राम ही होगा, बस इतना समझ लो, सिंपल है। अगर डेंसिटी 1 है तो जितना ml है उतना ही ग्राम। अब कैलकुलेशन करना है, तुम्हें किसके लिए कैलकुलेशन करोगे, 1000 ग्राम के लिए कैलकुलेशन कर दो और नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, 1000 / 18, तो कितना आएगा 55.5। ये एमसीक्यू कहता है कई बार, पानी के लिए 1 मोल कितना होता है, तो 55.5 मोल। नेक्स्ट, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तुम्हें, तो इसी के अंदर क्या करोगे तुम, 55.5 कितने एटम्स है, 3 है, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर नंबर ऑफ एटम्स के लिए। अगर मॉलिक्यूल्स पूछते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, तो बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी।
दो स्टेप के अंदर आंसर है सबके। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 25। एट एनटीपी डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेपर डेंसिटी का एग्जांपल है, डेंसिटी ऑफ गैस कितना है यहाँ पर 0.00445 ग्राम पर ml है, थोड़ा ध्यान रखना डेंसिटी वाला। देन फाइंड आउट द डेंसिटी, देन फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी, इसी की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। वेपर डेंसिटी याद करो किसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, H2 के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2। गैस की डेंसिटी गिवन है, H2 की डेंसिटी निकालनी है, तो कितनी होगी H2 की डेंसिटी, H2 इज इक्वल टू, और देखो यहाँ पर ग्राम पर ml है, तो H2 का मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना है H2 का तो 2, और वॉल्यूम कितना लेंगे हम, NTP है तो 1 मोल ले लेंगे, और 1 मोल पर कितना होता है 22.4 लीटर, हमें ml चाहिए ना, तो 0 कर देंगे, तो ये कितना हुआ ml के अंदर हुआ, तो कितनी हुई यहाँ पर डेंसिटी इसकी 0.00। तो तुम डायरेक्ट याद रखोगे ये ग्राम पर ml, तो मिल गई डेंसिटी तुम H2 की डायरेक्ट, बस यही डेटा इसके अंदर पुट करो, ये डेटा यहाँ पर पुट करो, तो कितना होगा 0.00445 बाय 0.00089। यहाँ पर एक जीरो है, कोई बात नहीं वहां, तो कितना आंसर हुआ, ये हो गया वेपर डेंसिटी, समझना, तो वेपर डेंसिटी यूनिट लेस थी, कितना आ रहा है यहाँ पर वेपर डेंसिटी कैलकुलेशन करने पर 50 आ रहा है। नेक्स्ट एक और चीज कैलकुलेट करनी है, देखो तुम्हें मोलर मास, तो याद करो फॉर्मूला वेपर डेंसिटी और मोलर मास का फॉर्मूला क्या था, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, तो मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी 50 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोलर मास कितना हुआ 100। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 25, बढ़िया सा क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी और मोलर मास से रिलेटेड, बहुत सिंपल है, दो फॉर्मूला यूज करने हैं, चलो लिख लो इसे भी। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 26। चलो यहाँ पर बस बातें बात में, खुद कर लो सॉल्व। 26 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वेट ऑफ 1 लीटर गैस, 1 लीटर गैस का वेट गिवन है इज 2 ग्राम, 1 लीटर गैस है उसका वेट कितना है 2 ग्राम है, समझना आगे। देन फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास, हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन, डायरेक्ट वेपर और डेंसिटी गिवन नहीं है गैस की, समझना, डेंसिटी निकालनी पड़ेगी हमें, फॉर्मूला क्या है वेपर डेंसिटी का अपने पास, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है डायरेक्ट, नो डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ गैस कितनी होगी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, हाँ ml में लेंगे 1000 ml, तो ग्राम पर ml, तो ये क्या हुआ डेंसिटी ऑफ गैस हो गई, क्लियर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जी लिखते लेकिन समझ में आ जाए क्लियर इसीलिए, ओके ग्राम बाय ml, तो कितना होगा यहाँ पर 0.002 ग्राम पर ml डेंसिटी, कौन से गैस की हुई, अननोन गैस की हुई, चलो उसके बाद यहाँ पर लिख लो ये 0.002, अभी हमने हाइड्रोजन की डेंसिटी निकाली थी तो 0.4 × 0.89 था, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर वेपर डेंसिटी कितनी आ रही है 22.4 आ रही है, वेपर डेंसिटी यूनिट लेस है, वेपर डेंसिटी आ गई, बढ़िया सा हल्का सा ट्विस्ट है यहाँ पर कि डायरेक्ट डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी फाइंड कर लो,
डेंसिटी हाइड्रोजन की पता है हमें, एट एनटीपी एचटीपी पर यही लिखेंगे। चलो अब दूसरा फॉर्मूला क्या है वेपर डेंसिटी को, मोलर मास और उसका रिलेशन निकालना है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2, मोलर मास फाइंड करना है तुम्हें। तो मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 44.8, ये हुआ तुम्हारा आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 26 ये भी कंप्लीट। तो एक बार वापस देख लेना ध्यान से, अपनी नोटबुक में खास लिखो एमसीक्यू इलस्ट्रेशन, अपनी नोटबुक में खास लिखो और इसी से रिलेटेड एमसीक्यू ना वो भी सॉल्व करो।